जी। जाओगे तो आपके अंदर वो आपको करना। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। जी, अब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी भैजन, क्या हाल है? मैंने आपसे नंबर लिया था व्हाट्सएप पे। हाँ जी, ठीक ठाक, बताएं क्या काम है। अच्छा, आप कोई जादू, काला जादू वगैरह भी करते हैं? अच्छा, उसके बारे में कुछ पूछना था, तो मैं ना किसी से करता हूँ अब, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहता था, क्या पॉसिबल है? ऐसे हो सकता है कि वो मेरी हो जाए? तो मतलब 2 साल से तकरीबन टाइम हो गया ना, मैं किसी से करता हूँ मोहब्बत, तो वो भी मुझसे करती है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते। क्या कहते हैं उसकी बताओ। घर वाले यही कहते हैं कि यहाँ पे नहीं करना हमने। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए बताया, मुझे आपका नाम आपकी तो चाहिए था, आपके घर वालों का नाम तो नहीं मानते, जी। डर जाओगे तो आपके अंदर वो आपको करना। अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है आवाज़ आपको, जी, अब आ रही है। तो मैंने ठीक, कहा खर्चा होगा वो आपको करना होगा, 11,000 का खर्चा होगा बेटा, नहीं उसकी खर्चे नाप का, और तस्वीर मुझे भिजवा देना। नहीं खर्चे का तो अंकल कोई मसला नहीं है, खर्चे तो मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये काम कितने दिन में हो जाएगा? काम बेटा आपका हो जाएगा 2 दिन के अंदर। अच्छा, ये जो आप मुझसे पैसे लोगे, किस चीज़ के लोगे? अच्छा, तो कितने, 24 घंटे लगेंगे, 48 घंटे? 48 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, कराची से। तो मैं भी कराची से ही बात कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी लोकेशन दे सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर? लोकेशन नहीं दे सकता, वैसे ही आ जाओ नोडिया बात कर कर कॉल करना, मैं आपसे नहीं अंकल, वैसे तो मैं, आप एड्रेस में मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत से ऐसे भीड़ होते हैं, तो आप लोकेशन देंगे तो मैं जहाँ चेक पे आप, पोस्ट आएगी ना बेटा, चेक पोस्ट के अंदर उतर कर मुझे कॉल कर देना, वो कोई मसला अच्छा, आप लोकेशन नहीं देंगे? लोकेशन नहीं दे सकता अच्छा, लोकेशन का क्या इशू है वैसे? बेटा, बस वैसे ही नहीं दे सकता आप। अच्छा, बाकी आपने कोई काम वगैरह मतलब किए हैं जिस पे मुझे यकीन आए कि आप हकीकत में ऐसे काम करते हैं? मैं आपको व्हाट्सएप पर लोगों के फाइल सेंड कर देता हूँ जिन्होंने मैंने काम किया, आप तो मैंने, जी ठीक है, लेकिन मैं आपकी लोकेशन जानना चाह रहा था। तो मुझे ऐसी बहुत सी कॉल्स आती हैं और मैंने की भी हैं, लेकिन कोई भी मतलब पैसे लेते हैं, बाद में ब्लॉक कर देते हैं हमें। ये कोई चक्कर तो नहीं है कि फ्रॉड वगैरह पैसे लेके आप भाग जाओगे? जी दोस्तों, देख सकते हैं कि जब मैंने ये बात की ना, तो उसने कॉल काट दी है। दुनिया में ना इस तरह के हज़ारों पीर पड़े हैं, तो जो लोगों से पैसे इस तरह लूटते हैं और मतलब उनको पागल बनाते हैं कि हम आपका 24 घंटे में काम कर देंगे, 48 घंटों में काम कर देंगे, ऐसे बिल्कुल भी हकीकत में कुछ नहीं होता। ये लोगों का रोज़गार बना हुआ है। तो आपके सामने अभी मैंने कॉल की थी, तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर बहुत सी इसी तरह की इंशाल्लाह कॉल्स मिलेंगी। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर उसकी कॉल मिलती है तो आपके सामने आप देख सकते हैं। तो खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे पीरों से बचें। तो कॉल जा रही है उसके पास, तो देखते हैं अब क्या कहता है। उसने कॉल अटेंड नहीं करनी बिल्कुल भी, ये सिर्फ आप तक ये मुझे, मैंने पहुँचाना था, अपडेट पहुँचानी थी कि हमारे मुल्क में जो पीर लोग हैं वो क्या करते हैं। तो बहुत सी बहनों के साथ ऐसे होते हैं, बहुत सी भाइयों के साथ होता है, मैंने सोचा इस पे वीडियो क्यों ना बनाई जाए एक अच्छी सी। तो देख सकते हैं उसने कॉल अटेंड नहीं करनी है, देख सकते हैं वो कॉल अटेंड नहीं करेगा। तो दोस्तों प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप
ऐसे पीरों से बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो हर बंदे तक पहुंच सके और बहुत से लोग इससे बच सके। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।